वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय, सुरत प्रियाय, लंबोदराय सकलाय, जगद्धिताय, नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषताय, गौरी सुताय गणनाथ, नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश के वक्र तुंड नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को जिसे कि विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जो कि शाम को चंद्रोदय होने पर उस समय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने पूछा कि वैशाख के महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है उस दिन किस गणेश की विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम कुबेर इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को कृश यानी कि दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन ग्रहण करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपने सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मंगा प्रवाहित होते रहेगा। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले,
तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने लगा। फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकार उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी का स्वयं फल भोगते हैं और स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। धर्म पारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो की शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और शाम को चंद्रोदय होने पर उस समय भगवान गणेश जी का साथ में माता दुर्गा, जिसे कि चौथ माता के नाम से जाना जाता है, तो माता चौथ का पूजन करे। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। उसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन में जो कि तेल युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घृत युक्त भोजन बना करके उसे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।